फाइव सेकेंड, टू सेकेंड, रेडी। इट मे बी मैंशनड दैट आ रिट पिटीशन अंडर आर्टिकल 32 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन वॉज फाइल्ड बाई अ मेम्बर ऑफ द सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन ट्रिब्यूनल कंटेंडिंग दैट द डिसीजन इन एस पी कुमार वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया एंड अदर्स 1987 एस सी सी 124 इक्वेटेड द सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल विद द हाई कोर्ट एंड देयरफोर इट्स चेयरमैन शुड बी इक्वेटेड विद द चीफ जस्टिस ऑफ अ हाई कोर्ट एंड द वाइस चेयरमैन एंड मेंबर्स मस्ट बी इक्वेटेड विद द सिटिंग जजेस ऑफ द हाई कोर्ट इन ऑल रेस्पेक्ट्स। इट वॉज ऑल्सो कंटेंडेड दैट वाइल द वाइस चेयरमैन हैव बीन एक्यूटेड विद सिटिंग जजेस ऑफ द हाई कोर्ट्स द मेंबर्स हैव नॉट बीन सो एक्यूटेड इन दियर पे एंड अदर कंडीशंस ऑफ सर्विस एंड दैट आर डिस्टिंक्शन वॉज मेड इन द कंडीशंस ऑफ सर्विस पर्टिकुलरली द पे एंड एज ऑफ सुपर एनुएशन बिटवीन द वाइस चेयरमैन एंड द मेंबर्स विच वॉज आर्बिट्रेरी एज अ रिजल्ट ऑफ विच द मेंबर्स ऑल्सो शुड बी गिवेन द सेम पे एज दैट ऑफ द वाइस चेयरमैन एंड दियर एज ऑफ सुपर एनुएशन शुड ऑल्सो बी द सेम दैट इज 65 ईयर्स एज दैट ऑफ द वाइस चेयरमैन। ऑन इंटरप्रिटेशन ऑफ आर्टिकल 323 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन दिस कोर्ट टुक द व्यू दैट एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स कॉन्स्टिट्यूटेड देयर अंडर आर डिस्टिंक्ट फ्रॉम द हाई कोर्ट्स एंड डिसमिस द रिट पिटीशन। द एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स एक्ट 1985 केम टू बी अमेंडेड बाई द एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स एक्ट 2006। बाई द सेड अमेंडमेंट द पोस्ट ऑफ वाइस चेयरमैन इन द एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल इज एबोलिश्ड अ न्यू प्रोविजन दैट इज सेक्शन 6(2) इज इंट्रोड्यूस्ड विद मॉडिफाइज द क्वालिफिकेशंस ऑफ फॉर अपॉइंटमेंट एज एडमिनिस्ट्रेटिव मेंबर इन द ट्रिब्यूनल। सेक्शन 10A इज इंसर्टेड इन द मेन एक्ट विच प्रोवाइड्स दैट द conditions of services of the judges of the high court would be applicable only to the members appointed after February 19, 2007. The newly inserted section 10A restricts the total term of the members of the administrative tribunals to 10 years, though by the said amendment the age of superannuation for our members is raised from 62 to 65 years. Further, section 10A postulates consideration of a case of a member for reappointment by selection committee after February 19, 2007. Section 12(2) of the Administrative Tribunals Act 1985 is amended and power is conferred on the appropriate government to designate a vice chairman for the purpose of performing certain duties and functions of the chairman. The case of the petitioner is that the post of vice chairman was in existence in the administrative tribunals since its inception, which enabled the judges of various high courts to opt for the central administrative tribunal and provided an opportunity in the nature of promotion to the members of the administrative tribunals to the post of vice chairman. According to the petitioner, the abolition of the said post now would create anomalous situation in the structure as well as administration of the tribunals if any high court judge is to be appointed only as a member, and therefore the abolition of the post of the vice chairman is unconstitutional.